पूजा खेतकर की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी है। वहीं अभी पुणे पुलिस से ये खबर सामने आ रही है कि पूजा खेतकर पिछले कुछ दिनों से जो गायब है उसका फोन भी बंद है और वो शायद कहीं भारत के बाहर चली गई हो। फिलहाल हम यहाँ पे पुणे में बानेर में है जो पूजा की माँ का घर है मनोरमा खेतकर का। जैसे आप देख सकते हैं कि इस घर पे फिलहाल ताला लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने उसके घर के बाहर जो अतिक्रमण था उस पर भी कार्रवाई की है। जहाँ पूजा की परिवार की बात करें तो पूजा के पिता दिलीपराव खेतकर फिलहाल पुणे से बाहर है। उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो में एक मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उनकी जो एसेट्स थे तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा दिखाए जा रहे थे। उसके अलावा पूजा खेतकर की माँ मनोरमा खेतकर जो है फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। उनके खिलाफ मामला था लैंड इंक्रोचमेंट का, जहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा था कि पूजा खेतकर की माँ एक गन लेके जो फार्मर्स है उनको थ्रेटन कर रही थी। ये वीडियो वायरल हुआ था जिसके बेसिस पे FIR भी की गई थी। पूजा खेतकर की माँ को उसमें पुणे पुलिस ने रायगढ़ से अरेस्ट किया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। जब पूजा खेतकर की बात करें तो वो उन्हें 23 जुलाई को लाल बहादुर शास्त्री अकेदमी मसूरी में जो है वहाँ पर प्रेजेंट होना था क्योंकि UPSC द्वारा ये इंस्ट्रक्शन था कि उनकी जो प्रोबेशनरी सर्विस है वो स्टॉप कर दी जाए वाश्रम में और उन्हें वापस रिपोर्ट करना था। लेकिन पिछले कुछ 10 दिनों से पूजा गायब है, उनका फोन भी बंद है और पुणे पुलिस का ये कहना है कि पूजा खेतकर शायद भारत से बाहर निकल गई हो क्योंकि जब उनकी प्रैक्टिस वाशिम में बंद की गई थी तो उन्हें पुणे पुलिस के पास आना था, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था कलेक्टर के खिलाफ जो उन्होंने हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाए थे उस पर। लेकिन उस पर भी पूजा प्रेजेंट नहीं हुई है, उसने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की है और जब से दिल्ली में ये FIR हुई है तब से पूजा गायब है। इसके चलते जहाँ बात करें पूजा खेतकर की तो पूजा खेतकर और उसकी जो फैमिली है फिलहाल कोई भी इस घर पे नहीं है और इस घर पे तकरीबन 10 दिन से ताला लगा हुआ है। अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली पुलिस आगे जाके पूजा खेतकर को कैसे फेस करेगी, वो कहाँ है और इतने दिनों से क्यों गायब है, ये सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। मला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दिस मॅटर।